हम मेरा ये टेस्टिमोनी जो पानी की दिक्कत जो पहले कैसा था अब कैसा है। सच आप लोग तो पता ही है जीरो में, जो जो जीरो में जाके देखा है, हमारा जीरो में मेरा नाती भी नहीं है। जो हम लोग नाती मानता है आप सभी अरुणाचल का पास में, वो नाला ही है, लेकिन पानी की इतनी दिक्कत है हमारा जीरो में। तो इस कारण से हम याद है कि बचपन से जब भी हम तुरंत कुछ पानी का पीने का ये अपना से खुद काम करने का लायक है, तब से देखा है तो हमारा जीरो में पानी का बहुत दिक्कत था। तो उसमें देखा गया तो हम बचपन से याद है पानी मुश्किल के कारण से हम लोग का जहाँ पे हम रहता था उसमें एक कुआं था। वो कुआं जब 5 बजे तक वो कुआं खत्म हो जाता है पानी, क्योंकि सभी लोग उस पे आके पानी को उतारते उतारते तो उसमें 5 बजे के बाद पानी ही नहीं मिलता है कुआं पे। तो इस कारण से हम लोग उस जगह से दूसरा कॉलोनी या दूसरा बस्ती में जाके पानी उतारना पड़ा। तो अभी सच बोले तो वही है कि हम सभी सहेलियां और दोस्तों को बताते हैं, हम पानी भुगते 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 मेरा हाथ जो दूसरा से 3 इंच बड़ा हो गया। तो अभी ऐसा सचमुच करके देखने से भी इतना जो मेरा हाथ भी लंबा हो गया, क्योंकि वो पानी भुगते भुगते इतना दिक्कत था। इसके बाद जब हम बड़ी हो गया, शादी होने लगा, जहाँ भी अभी हम GPC है उस बस्ती में, सिवी बस्ती में किया है, तो उसमें था मेरा घर अभी, तो उसमें देखा है तो और भी दिक्कत पानी, तो इसमें एक भी कुआं भी नहीं है। अभी आप लोग जाके पूछ भी सकता है, तो जहाँ मेरा बस्ती है, जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग जिससे गुजरता है वो बस्ती है मेरा ब्लेचो। तो इस कारण से हम लोग का अभी इतना पानी दिक्कत था। तब हम लोग सुबह उठते समय दूसरा चीज को चिंता नहीं है, पानी का चिंता है, कल मैं कैसे नहाएगा, कैसे कपड़ा धोएगा, कैसे मैं खाना पकाऊं, वो उसका बहुत चिंता था। तो इसलिए मैं एक बार जो हम पीएच को बहुत तंग करने लगा है, क्योंकि हमको पानी हर हालत में देना है। तो पीएचसी भी बोला है, तो अभी देखा गया तो इतना पानी कम है हमारा जीरो में, ना नदी जैसा नदी भी नहीं है, तो उस कारण से और जंगल से पानी जो निकलता है वो उसका ऊपर जो थोड़ा थोड़ा निकलने का कारण से उसको सफिशियंट भी देने भी नहीं सका है। इसको ऊपर शायद हम लोग बस्ती वाला कोई कॉपरेट ही नहीं किया होगा, तो जितना पानी निकल रहा है वो खेती में शायद डाल देता होगा। तो उस कारण से भी बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ था। तो मेरा डिपार्टमेंट भी, हम लोग का डिपार्टमेंट भी परेशान हो गया मेरा साथ में। आज वो सर जो आज गुजर चुका है, नहीं है वो, होने से आज वो भी यहाँ आना था, वो भी हमको परेशान होके बाहर जाके ही खड़ा करता था, हमको देखते ही ये पानी के लिए आ रहा है। तो वो सोचकर हम लोग का बस्ती वाला ने हम लोग इकट्ठा करके और हम लोग चल अपना से हम लोग पानी के लिए लड़के देखेगा। वो करते करते हम लोग पानी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जब से हम ये 2019 को और जल जीवन मिशन का अनाउंस किया है और इम्प्लीमेंट करने लगा है, आज देखा गया है तो हमारा बस्ती वाला भी इतना जानकारी मिल गया है कि तो पानी को किस तरह से बूंद बूंद को हम लोग ये सोना का तरह, मोती का तरह हम लोग जानने लगा है पानी का इम्पोर्टेंट को। तो इस कारण से आज हमारा जीरो में पानी सुविधा बहुत अच्छे से हो गया। तो इस कारण से पानी जो अभी देखा गया है तो हम लोग का पानी जितना अच्छा होगा शायद उतना हमारा धोना खाना पीना और इसका ऊपर जो हम लोग को जल जीवन मिशन का द्वारा जो पानी का टेस्टिंग शुद्ध पानी पीने के लिए मिलने को देखने को मिला है। तो उस कारण से अभी हम लोग का बस्ती भी तो पानी को पूरा ये हर महीना टेस्ट करने के कारण, वो पानी अच्छा पीने के कारण, शुद्ध पानी पीने के कारण आज देखा गया है तो मेडिकल में भी बेड खाली ही खाली है। तो उसमें पूरा क्योंकि वो शुद्ध पानी पीने के कारण से बीमारी कम हो गया।
इसका ऊपर हमारा जिलो में ऐसा भी हो गया मलेरिया फिर भी हो रहा है, क्योंकि पानी अच्छा पीने का कारण से, और इसको ऊपर पानी को किस तरह साफ सुथरे से पीना है, शुद्ध से पीना है, तो उस जानने का कारण से ये हमारा मलेरिया भी उसमें फ्री हो जाता है। इस कारण से हम आज सच का जल जीवन मिशन का द्वारा हमारा यहाँ बहुत पानी और अच्छा शुद्ध पानी पीने को मिला है। इसको ऊपर बीमार थोड़ा फ्री हो रहे, हर चीज जो साफ सुथरा, और आप लोग देखा भी है थोड़ा जीरो में पहले से बेहतर पानी भी बहुत अच्छा होने का कारण से हर जगह सुंदरता भी हो भी रहा है। आप लोग जो लोग आके नहीं देखा है तो उसको तो वीडियो में भी देखा होगा, जो लोग आके देखा है वो तो सचमुच का एक बार आए तो दो बार आने का मन कर रहा है। इसलिए सभी को हम इनवाइट करता है जीरो में भी एक बार आके देखो, सच का पानी अभी थोड़ा सुविधा हो रहा है। इसलिए हम अभी इतना ये जल जीवन मिशन से जान किया है कि पहले तो हम लोग राइम से बोलता था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अभी देखा है तो मनुष्य का जीवन भी पानी ही है, सच का बोले तो इसलिए हम लोग जल जीवन मिशन का सबको थैंक यू, और हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल खांडू जी का और ये गवर्नमेंट को भी थैंक यू, क्योंकि इतना अच्छा से इम्प्लीमेंट किया है, पीएचई डिपार्टमेंट इतना अच्छा से किया, थैंक यू। और हमारा मोदी जी भी इतना अच्छा से हम लोग को ये स्कीम को दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय अरुणाचल, थैंक यू।